गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम डी मॉर्गन थ्योरम का सेकंड पार्ट एल्जेब्रिकली प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट जो बूलियन एल्जेब्रा का है वो है एक्स वाई का होल बार इज इक्वल्स टू एक्स का बार प्लस वाई का बार। ओके, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया था, इन अ सेम वे हम सेकंड पार्ट को भी प्रूफ करेंगे इन थ्री स्टेप्स। वहां पर जो मेरा स्टेप्स था, स्टेप नंबर वन, वो क्या था? लेट अस अज्यूम दैट द अजम्पशन एक्स डॉट y होल बार इज इक्वल टू x का बार प्लस y का बार इज करेक्ट। इन फर्स्ट स्टेप वी आर अज्यूमिंग दैट द अजम्पशन इज करेक्ट। ओके, अजम्पशन इज करेक्ट। इन द सेकेंड स्टेप लेट p इक्वल्स टू x dot y, then p bar equals to x bar the x dot y the ka whole bar and which is equals to x ka bar plus y ka bar. In the bracket you can write here from step 1, because we know that the other a first step assumption is correct, so we can write x dot y whole bar, इसकी place में हम क्या लिखेंगे, x bar plus y bar, यहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक, now in step 3 अब हम यहां पर जो प्रूफ करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वो क्या करना है, हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ प्रूफ करेंगे। वो क्या होगा, p प्लस पी बार इज इक्वल्स टू 1 और p डॉट पी बार इक्वल्स टू 0, ये हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो पहले हम आ जाते हैं p प्लस पी बार इक्वल्स टू 1 पे। यहां पर जो वैल्यू है p की वो कितनी है, द वैल्यू ऑफ p इज x डॉट y एंड वैल्यू ऑफ p बार इज x बार प्लस y bar. Okay, so here we can write x y x dot y in place of p and plus x bar plus y bar in place of p bar. Okay, और मुझे one क्या करना है, इसको prove करना है। अब यहां पर statement को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, x plus y का whole bar, सॉरी x बार प्लस y बार प्लस x डॉट y, ये मैंने कैसे लिखा, तो मुझे पता है x प्लस y इक्वल्स टू क्या होता है, y प्लस x भी होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने क्या कह दिया, स्टेटमेंट को यहां पर ऐसे लिख दिया। अब अगेन मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर इस पूरे पार्ट को मैं मानूंगा, दिस होल पार्ट विल बी x, दिस पार्ट विल बी y एंड दिस पार्ट विल बी z, और मुझे पता है कि x प्लस वाई जेड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x प्लस y ब्रैकेट क्लोज x प्लस z, बिकॉज ये क्या है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, तो फॉर दैट मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपली इसे लिखूंगा x प्लस वाई, एक्स का मीनिंग है x बार y बार। ओके, x का मीनिंग है x बार y बार प्लस y, y के बदले मैंने लिख लिया यहां पर x, देन डॉट ब्रैकेट x प्लस z, x क्या है पूरा x बार प्लस y बार, और z क्या है मेरा z है मेरा
वाई। ओके तो ये मैंने यहां पर लिख लिया। और यहां पर आप देखोगे कि ये एक्स है, ये एक्स का बार है, ये वाई है और ये वाई का बार है। तो इसके बिहाफ मैंने लिख लिया वन प्लस वाई बार, वन प्लस वाई बार डॉट वन प्लस एक्स बार। क्यों लिखा मैंने? बिकॉज मुझे पता है कि एक्स प्लस एक्स का बार इक्वल्स टू वाई प्लस वाई का बार इक्वल्स टू क्या होगा? वन होगा, ठीक। और एट द एंड में यहां पर मैं एक स्टेप और लिखूंगा कि ये जो स्टेप होगा, ये होल जो स्टेप है, ये क्या हो जाएगा? मेरा वन हो जाएगा। और ये होल स्टेप भी मेरा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो वन डॉट वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज मुझे पता है वन डॉट वाई बार इक्वल्स टू वन प्लस एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा? वन होगा, ठीक है। सो यहां पर जो हो जाएगा, क्योंकि ये वन प्रूफ हो चुका है, तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बट ये अभी फर्स्ट पार्ट ही प्रूफ हुआ है, सेकंड पार्ट भी हमें प्रूफ करना होगा। सेकंड पार्ट क्या है? पी डॉट पी बार इज इक्वल टू जीरो। अब मैं ये प्रूफ करूंगा, और यहां पर पी की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई डॉट पी बार की वैल्यू कितनी है? एक्स बार प्लस वाई बार। अब डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराई जाएगी, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई डॉट एक्स का बार प्लस एक्स वाई डॉट वाई का बार। ओके तो यहां पर अगेन क्या होगा कि ये एक्स है, ये एक्स का बार है, तो ये हो जाएगा मेरा जीरो डॉट, और ये मेरा वाई और वाई का बार है, ये जीरो डॉट हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर जीरो डॉट वाई बच गया और यहां पर जीरो डॉट एक्स बच गया। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि एक्स डॉट एक्स बार इक्वल्स टू वाई डॉट वाई बार इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और यहां पर जीरो डॉट वाई और जीरो डॉट एक्स, तो ये जीरो प्लस जीरो हो गया, क्योंकि हमें पता है जीरो डॉट वाई इक्वल्स टू जीरो डॉट एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है? जीरो ही होने वाला है। तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो रिजल्ट कितना आना है? जीरो आएगा। तो जैसे आप इस कंडीशन की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? प्रूफ हो गया। तो यहां पर हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि पी डॉट पी प्लस पी बार वन होता है और पी डॉट पी बार कितना होता है? जीरो होता है। अगर मैंने दोनों प्रूफ कर दिए, इट मीन जो अजम्पशन मैंने स्टार्टिंग में स्टेप नंबर वन में किया हुआ है, वो स्टेट अजम्पशन क्या है मेरा? करेक्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा जो सेकेंड थ्योरम है वो भी हमने क्या कर दी? प्रूफ कर दी, ठीक। नाउ स्टूडेंट, दोनों थ्योरम एल्जेब्रिकली प्रूफ हो चुकी हैं। नाउ अब आपका जो टास्क है, जो आपका असाइनमेंट है, आपको यह करना है बोथ थ्योरम जो है ऑफ डी मॉर्गन आपको प्रूफ करनी है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, तो अब ये जो आपका होमवर्क है, वो होमवर्क है कि आपको इन दोनों टेबल्स का एल्जेब्रिकली प्रूफ करना है, सॉरी बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ करना है, ट्रुथ टेबल को बना के, ठीक। जो एल्जेब्रिकली प्रूफ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। सो थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, कीप लर्निंग।